हैदराबादी अंडा करी बनाते हैं आज। स्वागत है आपका किट्टू टिफ़िन यूट्यूब चैनल में। हैदराबादी अंडा करी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून तेल को गरम करें और उसमें थोड़ा सा जीरा चटकाएं। जीरा अच्छे से चटक जाने के बाद उसमें मीडियम कटा हुआ 1 कप प्याज डालें और इसको सुनहरा होने तक अच्छे से भून लें। प्याज धीरे धीरे सुनहरा होने लगा है। बीच बीच में करछी से प्याज को चलाते रहें। अब हम इसमें एक हरा पेस्ट बनाएंगे और 1 कप के करीब हरा पेस्ट इसमें मिलाते हैं। इस हरे पेस्ट में 2 कप धनिया, 1 टमाटर, थोड़े मिंट लीफ, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, ऑयल, इस पेस्ट को मिला दें और अच्छे से इसको चलाते रहें। लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा पूरी ग्रेवी को तैयार होने में। आधा कप अच्छे से फेटा हुआ फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। दही मिलाने के बाद लगातार करछी को चलाते रहें जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाए। लगातार चलाते रहें उबाल आने तक ग्रेवी में। थोड़े से बेसिक मसाले मिलाएंगे जैसे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। मसालों को करछी से अच्छे से मिलाएं और ग्रेवी को पकने दें। ग्रेवी को कुक होने दें। जब इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल बाहर आने लगेगा तब हम अपने बॉईल किए हुए अंडे को मिलाएंगे और ये पूरी ग्रेवी पकने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लेगी मीडियम आंच पे। थोड़ा थोड़ा तेल बाहर आने लगा है। ग्रेवी लगभग लगभग पक के तैयार हो रही है। अब इसमें उबले हुए 6 अंडे मिला देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे।
ये ग्रेवी 2 से 3 मिनट में बनके अब तैयार हो जाएगी। बीच बीच में करछी से थोड़ा स्टर कर दें, ग्रेवी जलने ना पाए। तैयार है हैदराबादी अंडा करी, इसे सर्व कर लेते हैं। अंडे को बीच से फांकियों में काट के प्लेट में डाल दें, बीचों बीच थोड़ी ग्रेवी डाल दें करछी की सहायता से। थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। थोड़े अनियन रिंग्स, थोड़े हरे धनिया का पत्ता, और कुछ नींबू के टुकड़ों से इसकी गार्निश करें और आनंद लें हैदराबादी एक करी का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।